शुक्रवार 30 जनवरी 1948 को इसी जगह पे महात्मा गांधी जी के महान जीवन का अंत हुआ था। हत्यारा की गोली खाकर वे राम का नाम लेते हुए शाम 5:17 पर शहीद हो गए थे। आज मैं दिल्ली की एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे भाई गांधी जी ने अपना आखिरी वक्त गुजारा था। इसी जगह पे गांधी जी की हत्या हुई थी और उनके जो आखिरी 144 दिन थे वो इन्होंने यहीं पे गुजारे थे। यहाँ पे आने के बाद भाई आप लोग खुद भावुक हो जाओगे और देखोगे इस देश की आज़ादी में कितना बड़ा उनका योगदान है। अब आप लोग अंदर लेके चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। पहले ये जगह बिरला हाउस हुआ करती थी पर अब गांधी स्मृति बन गई है। सबसे पहले तो भाई ये देखो, ये यहाँ का मैप है, इसमें इस जगह की पूरी जानकारी दी हुई है। और ये है भाई गांधी जी का कमरा, यहीं पे वो रहा करते थे। अंदर चलते हैं, अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर उनके पलंग पड़े हुए हैं और ये है उनका कमरा। आज भी इस कमरे में उनको सामान बड़े संभाल के रखा हुआ है। गांधी जी डेली शाम को इसी कमरे से निकलकर उन्हें पूजा स्थान पर जाते थे, वहीं पे उन्हें गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस दिन भाई गांधी जी की मीटिंग भी चल रही थी इसी कमरे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। अपने कमरे के इसी दरवाजे से वो बाहर आए थे उस दिन और यही उनके जो है वो आखिरी कदम है, जहाँ पर अभी निशान बना दिए गए हैं। इसी रास्ते से गए थे, वैसे तो वो रोज़ाना दूसरा रास्ता लेते थे। गांधी जी का एक नियम था, वो डेली शाम के टाइम अपने कमरे से निकलकर और इस पूजा स्थल पर आते थे। यही वो पूजा स्थल है जहाँ पे वो पूजा करते थे और उन दिनों यहाँ पे सभा होती थी, पूजा पाठ करते थे, सभा होती थी, बहुत सारे लोग उनके साथ में होते थे। और उस दिन भी भाई यहाँ पे ना बहुत सारे आदमी उनके साथ में थे जब उन्हें गोडसे ने गोली मारी और वो शहीद हुए। जब गांधी जी गोली मारी तो यहाँ पे भाई बहुत सारे आदमी थे और सभा चल रही थी। वैसे उनका ये पूजा पाठ का स्थल हुआ करता था, यहीं पे बैठ के वो सभा भी किया करते थे। उस टाइम का दौर भी कुछ ऐसे ही था, ऐसे टाइम पे उन्हें गोली मारी गई थी और वो शाम का वक्त था। आज भी यार यहाँ आकर ना ऐसा लगता है कि भारत की जो इतनी बड़ी महान हस्ती थी उन्हें हमने खो दिया है, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लगता है कि वो हमने उन्हें खोया नहीं, वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। यहाँ पे उनके मृत्यु का समय और उनके मुँह से जो आखिरी शब्द निकला था हे राम, क्या टाइम था, वो दर्शाया हुआ है। अभी मैं हूँ महात्मा गांधी गैलरी के अंदर, ये महात्मा गांधी की गैलरी है। और यहाँ पे ना गांधी जी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, ऐसे ही सब में बोर्ड लगाए हुए हैं और उन पे जो उनके अच्छाइयाँ हैं, उनके आखिरी शब्द हैं, उन्हें लिखा हुआ है। कुछ कुछ ऐसे चित्रों के आकार से भी, जैसे ये बॉक्स बनाए हुए हैं, इसके अंदर उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया ये सब दर्शाया हुआ है। ये देखो भाई, कुछ पल उनके जो उनकी मीटिंग्स रही हैं जब वो बीमार हुए हैं, कुछ ऐसी ये गैलरी टाइप से बनाई हुई है। यहाँ पे उनके जीवन को अच्छी तरीके से दर्शाया हुआ है। ये रहे गांधी जी, ये जो उनकी मीटिंग्स होती थी उस टाइम पे, ये सब ऐसे ही चित्रों के रूप में दर्शाया हुआ है। और यहाँ पर आकर ना भाई बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, एकदम पीसफुल जगह है और हमें देखने को मिलता है, पता लगता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने मोर्चे निकाले, कितना संघर्ष किया। आदमी को ज़िंदगी में ना एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, उससे हम लोगों को, युवाओं को ये पता लगेगा कि गांधी जी ने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है। ऐसे ही नहीं, उन्हें इस देश के फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ये जलियांवाला बाग का कांड है, उस टाइम पे जब उनकी मीटिंग वगैरह होती है दर्शाया। इस जगह दीवारों पे ना फ़ोटो लगाए हुए हैं और महात्मा गांधी जी के बारे में अच्छी खासी डिटेल दी गई है कि उन्होंने कब कब क्या क्या लिखा है और देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं।
इस तरीके से कहाँ कहाँ उनकी किस किस तरीके से मीटिंग होती थी, कौन कौन सी भाषा और ज्ञान था, सब कुछ। कुछ यहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई जहाँ से आप गांधी जी के बारे में अच्छी खासी डिटेल ले सकते हो, बुक वगैरह भी मिलती है वहाँ पे, और हरियाली बहुत अच्छी खासी है। और पूरे स्ट्रक्चर यहाँ का जो कलर है वो वाइट है, जो खुद एक शांति का प्रतीक है। और मेरा मानना ये है भाई, एक बार तो आदमी को यहाँ पे ना आना चाहिए, जिससे कि पता लगे गांधी जी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। और ऐसे ही नहीं, वो इतनी महान हस्ती कहलाए। पीसफुल जगह है तो भाई बोलना यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैंने बाद में जो वॉइस ओवर किया है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। गांधी जी के बारे में एक चीज़ तो ज़रूर लिखना।